बजे उठता हूँ सम टाइम मॉर्निंग पे, सम टाइम 4:45 AM पे उठता हूँ। उठने के बाद गाइज मैं फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद मैं तो वर्शिप करता हूँ गॉड की, मीन्स मनी मन वर्शिप कर लेता हूँ, लाइक गॉड को याद कर लेता हूँ। एंड उसके बाद जो मेरी बुक्स हैं, मोटिवेशनल बुक्स जो मैं अपने कमरे में रखता हूँ, उनको मैं एज ए लाइक ऐसे कर लेता हूँ, एज ए रिस्पेक्ट एंड एज ए इंस्पायर हूँ। मोटिवेशनल मिले एज ए रिस्पेक्ट मोस्टली। सो गाइज, क्योंकि ये मेरा मानना है, मुझे लगता है, बिलीव कि ये मुझे अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगेगा, आई डोंट नो, बट मुझे अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही करता हूँ। सो गाइज, उसके बाद मैं फ्रेश होने के बाद मैं गाइज अपने जो बेड है जिसमें मैं सोता हूँ, बेड को मैं क्या कर लेता हूँ, पूरा सेटअप कर लेता हूँ प्रॉपर, ताकि वो वहाँ पर जो बेड शीट बिखरे नहीं रहे, ऐसे फैले नहीं रहे। उससे क्या होता है, अगर हम बेड शीट को ऐसे रख देंगे, हम बेड को सही नहीं करेंगे अपने रूम में, उससे एक फील ऐसा आता है, नेगेटिविटी फील आता है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे आता है, मिस लाइक ए आलस टाइप का एंड सही नहीं लगता है। अगर आप बेड प्रॉपर सेट हो जाएगा, उसके बाद रूम आप अच्छे तरह सेट करके, उसके बाद जो भी आपकी उससे क्या होता है, फील अच्छा आता है, क्योंकि आपको ये आलस टाइप का, एक लेजीनेस टाइप को आपको नहीं लगेगा, ये मेरा मानना है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, कोशिश करता हूँ डेली मॉर्निंग वॉक पर जाऊँ, और वहाँ पर मैं एक घंटा स्पेंड करता हूँ, उसमें थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा रनिंग कर लेता हूँ, और जो मेरे जनरल है उसको फॉलो भी कर लेता हूँ वहीं पे। उसके बाद जब मैं क्लियर आता हूँ, अगर किसी के सामने जाता हूँ तो मैं जनरल फॉलो नहीं कर पाता हूँ। सो मैं हमेशा अपने आप से बोलता हूँ, एंड अपने आप से बोलता हूँ, अपने आप की जो भी मेरी अपनी जो भी कमियाँ हैं, मिस्टेक्स हैं, या जो भी मुझे इंप्रूवमेंट करना है, जो भी बैड हैबिट्स है, जो भी मुझे लगता है मुझे ये सीखना है, इंप्रूवमेंट करना है, या सीखना है फिर अपने ड्रीम के लेके, बिजनेस के रिलेटिव कोई भी हो, उसको मैं इंप्रूवमेंट करने के लिए हमेशा अपने आप से बोलता हूँ, और अपने बुक में लिखता हूँ, नोटबुक में लिखता हूँ एंड लैपटॉप में लिखता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। अगर मैं किसी साथ जाता हूँ तो उस टाइम जनरल फॉलो नहीं कर पाता हूँ, एंड उसके बाद अगर मैं क्लियर आता हूँ तो मैं अपने आप इसे कर लेता हूँ ड्यूरिंग रनिंग, उसमें थोड़ा मैं अपने जनरल फॉलो कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस, अगर मैं कोई मेरे साथ होता तो उस टाइम में नहीं कर पाता, उसके बाद मैं घर आके करता हूँ, घर आके मैं थोड़ा जनरल फॉलो कर लेता हूँ, एंड थोड़ा रेस्ट करके, मतलब 5 मिनट अराउंड उसमें रेस्ट करके मैं जनरल फॉलो करता हूँ अपने जो भी मेरी रूटीन्स हैं, मेरा बैड हैबिट जैसे मिलता है आपको, किताब पढ़ना या लैपटॉप में कोई काम करना अपने बिजनेस के रिलेटेड, ये सब काम करना जनरल के अकॉर्डिंग, तो मैं फॉलो कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज, एंड अगर मैं कभी नहीं जा पाया किसी कारण, मॉर्निंग वॉक बारिश हो रही है या कोई कारण है नहीं उठ पाया, क्योंकि समटाइम हैबिट थोड़ी हमारी रूटीन जो है थोड़ा नहीं बन पाते, बट कोशिश करता हूँ मैं डेली मेरी मॉर्निंग रूटीन बनी रहे, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन ये ऐसी चीज़ है जिससे आपको फील बेस्ट होगा, एंड मॉर्निंग फ्रेश होगा, एंड एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका जो लाइफ है नॉर्मली नहीं रहती है, आपकी एक्टिविटीज अच्छी होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, स्पेशली मॉर्निंग। सो मैं वो चीज़ फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, एंड जब समटाइम नहीं जा पाता तो मैं घर में थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता अराउंड 10 मिनट 5 मिनट्स, ताकि मेरी जो कंसिस्टेंसी है एंड जो मेरा बैलेंस है मेरी जो कंसिस्टेंसी है, बैलेंस है, लाइफ बैलेंस वो मेंटेन रहे, और मेरी जो ड्रीम्स है उसके अकॉर्डिंग मेरा मेंटल सेट, मेंटल हेल्थ एंड मिस जो भी मेरी मिस एक्टिविटीज है वो मेरा सेट रही, मिस कंसिस्टेंसी बनी रही, तो आई ऑलवेज ट्राई दैट। सो गाइस, उसके बाद मैं आता हूँ मॉर्निंग वॉक करने से या एक्सरसाइज करने के बाद, मैं जैसे मैंने कहा जनरल फॉलो करता हूँ, कभी बुक पढ़ लेता हूँ एंड अपना पर्सनल वर्क कर लेता हूँ अपने लैपटॉप में या बुक में, नोटबुक में। उसके बाद थोड़ी बुक पढ़ने के बाद गाइस मैं एक टी लेता हूँ, ग्रीन मेरा रेड टी लेता हूँ, सब गाँव में होता तभी लेता हूँ, बाहर कम मिले, बाहर नहीं पीता हूँ, चाय वैसे पीता ही नहीं हूँ, बट रेड टी पी लेता हूँ थोड़ा, कभी लेमन टी, कभी इसमें लाइक जो तुलसी के पत्ते होते हैं उसकी चाय, या कभी अदरक की चाय थोड़ी सी पीता हूँ, ताकि वो सही रहे, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है। और प्लस पहले तो ये चीज़ में भूल गया आपको शेयर करना, हमेशा उड़ने के बाद मैं
फ्रेश होने जाऊँगा पानी जरूर पीता हूँ पहले, खाली पेट। खाली पेट पानी पीना बहुत अच्छा है, एंड विंटर में अगर हॉट वाटर मतलब गर्म पानी पर तो ज़्यादा बेस्ट है, बाकी समर में ठंडा पानी नॉर्मल पानी पी सकते हैं, एंड बाकी मैं अगर आप तांबे के उसमें पीता तो ज़्यादा अच्छा रहता पानी बोलते हैं, बट मैं पानी हमेशा पीता हूँ रन एक गिलास या दो गिलास इन द मॉर्निंग टाइम, वैसे हमेशा पीता हूँ, लेकिन मॉर्निंग टाइम उठ के खाली पेट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छा रहता है, आपको जो स्टमक है वो क्लीन होता है, बहुत चीज़ें होती है, सो करता हूँ। उसके बाद जिसमें होता है टी पीता हूँ, उसके बाद गाइज मैं अपने डोमेस्टिक वर्क जो भी या डोमेस्टिक वर्क लाइक सफाई पर करना या मेरे पर्सनल है जो भी ऑफिस जाना है बिजनेस करना है अपने घूमने जाना जो भी करना वो करता हूँ। तो सबके मॉर्निंग रूटीन होता है गाइज, किसी का अलग अलग होता है, तो आई थिंक किसी का नॉर्मली होता है मॉर्निंग रूटीन से उठना आराम से लेट में उठना और उसके बाद वही चीज़ें करना जो डेली करते हैं, कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई यूनिक चीज़ नहीं करना, कोई डिफरेंट नहीं करना, सो उससे क्या होता है लाइफ में बोरिंग हो जाती है, एंड सेम चीज़ करना बोरिंग लाइफ एंड कुछ आप अलग नहीं करो, अपने को टाइम नहीं दे रहे हो, क्योंकि बीच में हम दिन में मोस्टली बिजी हो जाते हैं, अपने ऑफिस में हो चाहे अपना फ्रेंड के साथ हो चाहे स्कूल में हो चाहे अपने बिजनेस में हो, हम ऑलमोस्ट बिजी हो जाते हैं, तो एक टाइम आपको देना आई थिंक अपने आप को देना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग अपने लाइफ में, चाहे आप किसी भी लाइफ में अपने आप को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई ऑलवेज लव माई सेल्फ, आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो मैं हमेशा अपने आप को बहुत टाइम देता हूँ इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा अपने आप को मॉर्निंग में टाइम देता हूँ ताकि मैं एक घंटा भी अपने लिए निकाल सकूँ अपने जर्नल के लिए अपने पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए। तो बेस्ट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक उठना बहुत जरूरी है, आपको फ्रेश फील होता है, एक्टिविटीज़ बनी रहती है, माइंड सेट भी रहता है। आई डोंट लाइक टू नॉर्मल लाइफ बाइज, आई लाइक इंडिविजुअल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ, एंड दिस इज माई थिंग। सो आपको अच्छा लगे ना कि आई डोंट केयर, आई डोंट नो सॉरी, आई रिस्पेक्ट यू गाइज, सॉरी रॉन्ग हो गया था, सो बट ये मेरा खुद का मान है तो मैंने तो शेयर किया। सो मॉर्निंग टाइम उठना बहुत जरूरी गाइज, सो मॉर्निंग रूटीन आपका ऑलवेज परफेक्ट होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, सुबह कितने बजे उठ रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग रूटीन होना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू मी। सो आई ऑलवेज आई लव माई मॉर्निंग रूटीन, मैं हमेशा सुबह जल्दी उठना पसंद करता हूँ, एंड क्योंकि सुबह उठने से आपको फ्रेश फील होता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है, आपकी एक्टिविटीज़ अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा सॉरी गाइस थोड़ा बीच में बताना भूल गया था, आफ्टर मतलब जनरल फॉलो करने के बाद मैं थोड़ा सा जैसे मैं जनरल फॉलो कर थोड़ा रीडिंग बुक कर मतलब थोड़ा किताब पढ़ के उसके बाद मैं थोड़ा गाइस मैं अपना इंस्टाग्राम ईमेल या फेसबुक या व्हाट्सएप या थोड़ा यूट्यूब थोड़ा देख लेता हूँ। इस तरह थोड़ा इससे क्या होता है कि आप नॉलेज गेन होती है, थोड़ा आप रिफ्रेश भी होते हैं, और थोड़ा मैं नॉलेज लेने के लिए जिस गूगल है गूगल में आपको नॉलेज मिलती है लाइक न्यूज़ मिलती है तो उसके ऊपर अपडेट हो जाता हूँ। उसके बाद गाइज मैं थोड़ा म्यूज़िक सुनता हूँ फिर, क्योंकि म्यूज़िक सुनना भी बहुत ज़रूरी है माइंड सेट के लिए, माइंड एक्टिविटीज़ के लिए, एक्टिव रहने के लिए, सो म्यूज़िक सुनना भी बहुत ज़रूरी है रिलैक्स फील के लिए, सो मैं म्यूज़िक भी जरूर सुनता हूँ। उसके बाद मैं अपना डोमेस्टिक वर्क या अपना लाइक अपने जो भी हैं मार्केट जाने की तैयारी करना या ऑफिस जाने के लिए जो भी अपना करना है वो मैं करता हूँ गाइज। सो आई होप यू विल इन्जॉय दिस, एंड आपको कैसा लगा मेरा जर्नल मेरे मॉर्निंग रूटीन, यू कैन शेयर, यू कैन कमेंट, एंड आपके भी मॉर्निंग रूटीन कैसा आप भी कमेंट कर सकते हैं गाइज। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस, आई लव यू गाइज।